पता नहीं था किसी को, जब फांसी लग गया तब पता आया कि भगत सिंह को तो फांसी लग गया। तब महात्मा गांधी कहे कि रे इरविन भाई क्या किया है तुम। भगत सिंह को जो गवाही दिया था ना उसको एक बिहारी गोली मार दिया। हालांकि भगत सिंह को जब फांसी दिया गया तो जो जज थे उन जजों में एक आगा हैदर भी थे। आगा हैदर ने तो पूरा अपना फैसला लिखा है भगत सिंह के फेवर में। लेकिन जजों को फांसी देना ही था। 1931 में लगी थी फांसी किसको? अब महात्मा गांधी कोने मुंह से करते कि दोबारा आंदोलन चालू करो, लोग गरिया देते महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बहुत भयानक रूप दे दिया था। अब उधर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पागल था, इरविनवा को गरिया गिरे चोटा कहीं कहा तुमसे हम कहे थे बवाल नहीं होना चाहिए, कैसे बवाल कर दिया? कहा कि साहब गलती हो गया, मार्च में आया था 1930 में हमारे पास 11 को मांग लेके, हमको लगा ये भगा दिए थे, गलती हो गया। कहा कि मंगाओ गांधी जी को मंगाओ और उनकी बात मानो और उनको इंग्लैंड भेजो गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि इंग्लैंड में चल रहा था गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, पहला हुआ था 1930 और 30 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड गोलमेज बनाए थे, खूब बढ़िया राउंड टेबल, ऐसे टेबल था राउंड टेबल। राउंड टेबल होता है बराबरी के लिए, समझ में आ गया कि सब लोग बराबर जगह पे, इसमें कोई मतलब सीनियर जूनियर का जगह नहीं होता है, जहां से बैठिएगा आपका स्पेशल है। और इसमें ये वाला यहां पे बैठ जाता है। तो इन्होंने क्या बनाया था? राउंड टेबल समिट, गोलमेज सम्मेलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। रैमजे मैकडोनाल्ड ने भव्य स्वागत का इंतजाम किया था, व्यवस्था किया था खाने पीने का, और पूरी इंग्लैंड में ढिढोरा पीटा था, देखो कैसे हम भारत की समस्या को 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। अभी बुलाए हैं गांधी जी को, सब आएगा गांधी जी, कांग्रेस को भी बुलाए हैं, वहां गांधी और कांग्रेस के सिवा बड़ा कोई नेता ही नहीं है, हम 2 मिनट में निपटा देंगे। इधर 1930 में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया है, इधर इंदिरा गांधी जी का मांग फेंक दिया, कहे ना मन तो गांधी जी 1930 में कौन चीज करके बैठे हैं और उधर कौन चीज चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकदम प्रेम से आपकी बात को ठुकरा देंगे। यहाँ पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इंतजार कर रहा था, अब आएंगे गांधी जी, अब आएगा कांग्रेस का कोई, कोई नहीं आया, इंतजार करते रह गया। रैमजे मैकडोनाल्ड चुपचाप रह गए। विपक्ष का नेता था वहां पे विंस्टन चर्चिल, का हो मैकडोनाल्ड, गुलाम देश भी वैल्यू नहीं दे रहा है आपको। अब आप बताइए मोदी जी अगर बुलाएं नेपाल के प्रधानमंत्री को आ वो अबे ना करे आई एयरपोर्टे पे टुकुर टुकुर देखते रह जाएं तो विपक्ष वाला कहेगा कि नहीं कहेगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। बेचारा रैमजे मैकडोनाल्ड जो था वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसका बात कोई नहीं माना गया। फोन किया किसको? इरविनवा को, कि देख इरविन चोट्टा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें इरविन नहीं आया तो तोरा हम बिरयानी, इसमें अगर गांधी नहीं आए तो इरविन तोर बिरयानी बनेगा, इरविन बिरयानी। अब इरविन बेचारा टेंशन में आ गया, क्योंकि इरविन के अगर गांधी द्वितीय गोलमेज में नहीं गए रहते ना, इरविन को पक्का मैकडोनाल्ड आके कर जाता, यहां पे दाते काट लेता, उसकी नौकरी चल जाती यहाँ पे। अच्छा महात्मा गांधी कह दिए थे कांग्रेस का कोई मत जाओ, कोई गया ही नहीं, उधर अंबेडकर साहब बस गए थे। कौन गए थे? अंबेडकर साहब, तेज बहादुर सबरू भी थे लेकिन बड़े नेता में कौन थे? अंबेडकर साहब। तो अकेले में क्या होगा? अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आ गया 31 में। अब 1931 में सितंबर 1931 में इसको रखा गया था, सितंबर 1931 में कौन सा सम्मेलन? द्वितीय। अब इससे पहले ही इरविन जो था वो कहा कि गांधी जी देखिए ना हम आपका मांग नहीं मांगे थे, इसमें गलती हो गया, हम एक काम करते हैं आइए एक बार दोबारा विचार करते हैं, हमारा मति फिर गया था, हम आपकी बात ठुकरा दिए थे। तो गांधी और इरविन के बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931। इसे कहा गया गांधी इरविन समझौता, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931। इसे हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट। इसी को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। इस समझौते में गांधी जी अपर हैंड पे थे क्योंकि गांधी जी को पता था, लेकिन हम ना आपको बता रहे हैं कि इरविन पर इतना दबाव था, अंग्रेज इतना बेवकूफ होगा क्या कि इरविन पर दबाव बता के किया होगा? नहीं करेगा आदमी यहां पर,
यहाँ आदमी नॉर्मल बिजनेस करता है, कभी कभी किसी को जमीन खरीदना होता है तो उसको चाहिए, लेकिन कहता है मन ना है अब यहाँ पर, बाद में लेंगे, ताकि उसका भाव गिर जाए। अभी ना हम आपको पूरा बात बता दे रहे हैं कि मैकडोनल्ड का क्या खर्च, क्योंकि बीती हुई घटना है, लेकिन जब चल रहा होगा तो आपको थोड़ी पता है। अभी रूस का राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं ये हम लोग को खुल के थोड़े बताने वाला, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, महात्मा गांधी ने शर्त रखा कि जितने भी राजनीति, जितने भी कैदी हैं उन्हें क्या किया जाए, रिहा किया जाए। इरविनवा लिख दिया कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। अब यहां वो खेल गया, इरविन ने कहा कि हम राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैंसिल करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, कुछ देर के लिए सस्पेंड करना पड़ेगा, दोबारा भरे मन चालू कर लीजिए, लेकिन आप चले जाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी रेडी हो गए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया उन्होंने, स्थगित कर दिया। वहां पर लोग फिर कहें कि बहु फिर एक फिर कर दिया, असहयोग आंदोलन को भी ऐसे ही किया, एकरो ऐसे ही कर दिया, आप का आदमी है यार ये। महात्मा गांधी के प्रति लोगों का विचार थोड़ा डगमगाने लगा, लेकिन कहें लोग कि कोई बात नहीं, महात्मा गांधी ने सस्पेंड किया तो क्या हो गया, कैदियों को तो रिहा कर देंगे। कैदी रिहा होने की जगह पर भगत सिंह को फांसी लगा दिया गया, पता नहीं था किसी को, जब फांसी लग गया तब पता आया कि भगत सिंह को तो फांसी लग गया। तब महात्मा गांधी कहे कि रे इरविनवा क्या किया है तुम कैसे फांसी दे दिया। तो कहा कि हमने तो बोला था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, जितना धरना अनशन हेन तेन में बैठा था सबको छोड़ दिए, भगत सिंह जो थे ये तो आपराधिक में थे, क्या थे आपराधिक में थे। अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, भगत सिंह को जो गवाही दिया था ना, गवाही दिया था जो भगत सिंह के खिलाफ, उसको एक बिहारी गोली मार दिया, अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग को यहाँ पर, ठीक है, वही गवाही दिया था, क्योंकि भगत सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, सांडर्स की हत्या का कोई सबूत नहीं था, वही खड़ा होगा हम ही देखे थे यही मारा था यही, भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समझ आ गया कि नहीं, खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते, तुम लोग अपने घरे का कानून पढ़ देता है। आप किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही दिला के उसे सजा नहीं सुना सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसने कह दिया यही मारे थे, तो बिहारी एगो देख लिया था कोर्ट में, कहा कि रुक तो रहा बताई तो, ओके बुलाया बिहार में, आओ लिट्टी चोखा खिलो तो ना, बेतिया में मोतिहारी है ना जगह चंपारण बेतिया में, दा के गन्ना के खेत में गोली मार दी, उतना है आके भगत सिंह के खिलाफ गवाही देता है आप। तो ऐसा ऐसा बहुत हुआ है। तो भगत सिंह को क्या लग गई फांसी, हालांकि भगत सिंह को जब फांसी दिया गया तो जो जज थे उन जजों में एक आगा हैदर भी थे, क्या नाम था आगा हैदर, आगा हैदर ने तो पूरा अपना फैसला लिखा है भगत सिंह के फेवर में, समझ में आएगी ना। लेकिन जजों को फांसी देना ही था, एक बात समझ जाइए, 1931 में लगी थी फांसी किसको, भगत सिंह, गांधी इरविन समझौते के बाद मार्च में भी फांसी लगी थी उनको, 23 मार्च को, 5 मार्च 1931 को यहां समझौता हो रहा है, और उसके 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 क्या लग गई फांसी, हालांकि 14 फरवरी को सजा सुनाया गया था, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद ऐसा लग रहा था कि माफ हो जाएगा सजा, लेकिन माफ नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा ये बताइए 1931 में सरदार पटेल भी बहुत बड़े जज वकील थे, और 1931 में कांग्रेस उन्हीं के हाथ में थी, 1931 का लाहौर कराची अधिवेशन सरदार पटेल थे, सरदार पटेल भी तो बहुत बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़का वकील थे, जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे, जिन्ना बहुत बड़े वकील थे, आप गांधी को अकेले जिम्मेदार तब ठहराइएगा। हाँ, इसलिए कि उस समय गांधी के पास पावर इस बात का था कि इरविन उनकी बात मान लेता, इरविन उनकी बात मान लेता, हालांकि इरविन बात मान लिया था। आप इस चीज को भी समझिए, आप अगर गांधी को देखिए, नो डाउट यहाँ गांधी को हम लोगों से अगर ऐसी गलती हो जाए कि अपराधियों को छोड़ने की जगह अगर कोई लिख दे कि राजनीतिक अपराधियों को छोड़ा जाता है, तो हम लोग ऐसा गलती कर सकते, एक वकील ऐसा गलती करेगा, वकील का काम होता यही सब चीज पकड़ना, और गांधी ऐसा वकील गलती करे। रियलिटी में गांधी जी हिंसात्मक चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन किसी चीज को पसंद न करना इसका मतलब ये नहीं होता कि उससे नफरत करना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको अगर देखिएगा कोई चीज अगर नहीं पसंद है तो इसका मतलब नहीं कि आप उसका विरोध करते हैं। दो तरह के लोग मिलेंगे, कोई आप देखिएगा इसे भी ना, एक आदमी कोई होगा जो शाकाहारी होगा लेकिन उसको मांसाहारी से विरोध नहीं है, आप उसके बगलों में खा लीजिएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, कहेगा हम नहीं खाते, एक होगा सब नहीं खाएगा, बगलिया में खा लेगा, चार को सुनाएगा ये खा रहे हो मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा, फेफड़ा खराब होगा, लीवर खराब होगा, पाप पड़ेगा, कोई फूट जाएगा, पिछले जन्म में सियार पैदा हो गया, यही होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
इतना ज्ञान देगा जैसे लगेगा उम्र पे नहीं करेगा। दो टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे। तो वैसे महात्मा गांधी को हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली महात्मा गांधी भी चाहते थे कि हिंसा होती रहे ताकि अंग्रेज उनके पास आके आराम से बात करे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं था करो या मरो, हिंसात्मक नारा नहीं है ये, कौन सा हिंसा वाला अहिंसा का है। लेकिन भगत सिंह को फांसी देना था अंग्रेजों को, तो फांसी उन्होंने दे दिया। क्योंकि अगर किसी हिंसात्मक चीज को आप ही बताइए, आप जाके जापान पे कब्जा कर लीजिए या पाकिस्तान पे कब्जा कर लीजिए, आप जापान पे काहे बोलेंगे भाई, हम लोग का दोस्त है, आप जाके पाकिस्तान पे कब्जा कर लीजिए, ठीक है समझिए। और वहां कोई आदमी एकदम खतरनाक काम करेगा, गोली उली मार देगा एकदम खतरनाक, जो भगत सिंह ने कैसे मारा, बम उड़ा दिए असेंबली उड़ा दिए, संसद भवन उड़ा दिया, क्या आप उसको सजा दीजिएगा या माफ कीजिएगा? क्योंकि अगर गुलाम बना के रखना है तो सजा बहुत भयानक देना पड़ता है। तो अंग्रेज फुल टू रेडी थे कि इनको तो हमको सजा देना है। अभी आप टेंशन क्या ले रहे हैं, गांधी जी को मारने का प्लान था और गांधी जी लगभग मार दिए थे सब, महात्मा गांधी को लगभग मार चुका था सब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भाप गए यहाँ पे। तो महात्मा गांधी से पहले अंग्रेजों ने क्या सस्पेंड कराया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब जगह हल्ला हो गया। महात्मा गांधी ने कह दिया मैंने कैदियों की रिहाई की भी बात कर दी है, सब लोग गांधी जी की खुश हो गए यहाँ पे। सरोजिनी नायडू इतनी खुश हो गई, इरविन से इतनी खुश हुई कि इरविन को कह दिया कि भारत में एक महात्मा नहीं है, दो महात्मा है। एक महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली गई थी। तो उन्होंने इतना खुश हो गई कि ऐसा वायसराय होना चाहिए, उन्होंने क्या कहा, दो महात्मा, क्या कहा, दो महात्मा। तो बताइए हम लोग तो इतिहास पढ़ रहे हैं ना, जो वहां था उस आंदोलन में, जो उस समझौता में था, वो इरविन से इतना अच्छा से प्रभावित हो गया कि लगता है कि ये छोड़ देगा। क्या आपको लगता है कि अगर पता रहता कि इरविन भगत सिंह को फांसी देने वाला है तो सरोजिनी नायडू दो महात्मा कहती नहीं कहती? इट मींस अंग्रेज के डबल फेस होते हैं, वो डबल फेस होते हैं। आप एक चीज लिख के रख लीजिएगा कि यूरोप वाले और अंग्रेज अमेरिका कभी भी पाकिस्तान का साथ देंगे सब, कभी भी, चाहे वो कितना आतंकवाद फैलाते, क्योंकि उनको पता है कि उनका बाप जिंदा है भारत, उनको टक्कर देने वाला यही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि उनकी जब उनका समय था तो उन्होंने राज किया था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब पूरी दुनिया में डोमिनेट करेगा कौन, भारत, इसलिए डायरेक्ट तो भारत से लड़ नहीं सकते, तो किससे कहेंगे, पाकिस्तान से। तुम टॉर्चर करो, तुम टॉर्चर करते रहो यहाँ पे। इन लोग की दोहरी नीति होती है, एकदम इन लोगों से सोच समझ के रहना चाहिए, समझ में आएगी नहीं आ गया, खतरनाक आदमी। अच्छा, हम जब इस चीजों को समझाते हैं तो हमको कुछ कुछ जो राजदूत वगैरह होते हैं समझना, वो कहते हैं सर आप ऐसा बात बोलते हैं, हम लोगों को जवाब देना पड़ जाता है। तो कह दीजिएगा कि हम थोड़े बोले हैं, खान सर बोले हैं, जवाब कौन चीज देना, आपका हम रिश्तेदार हैं हलदार। अरे भाई आप म्यों करके जवाब देंगे, हमको पढ़ाना है, पूरे देश के लोगों का माइंडसेट हमको सेट करना है कि आप किसके प्रति हैं किसके प्रति नहीं हैं। आप अपना काम कीजिए, हम सिखाने आए हैं कि आप अपने ऑफिस में बैठ के क्या कर रहे हैं, आप हमारे क्लासवा में झांक लेते हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में कि नहीं गया? हमारा काम है देश बदलना। आपको एक डिपार्टमेंट दिख रहा है, हमको पूरा देश दिख रहा है, अंतर होता है किसी को। आगे बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखो सर अभी तक गोट से नहीं आया, वो इंतजार कर रहा है गोट से का इंतजार कर रहा है गोट से का। अभी आपको ना जब रियलिटी पढ़ेंगे ना तो आपको धर्म से थोड़ी सी दूरी बन जाएगी, ठीक है? रियलिटी धीरे धीरे पढ़ते चलिए, 1948 आने दीजिए, आते आते आपको ना धर्म से थोड़ा सा लगेगा यार ये तो धर्म वर्म कुछ खास चीज नहीं है, थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, आराम से भी समझते चलिए। यहां तो समझ में आ गया। अब महात्मा गांधी फांसी दे दिया गया, उसके चार महीना बाद, पांच महीना बाद, सितंबर 1931, अब महात्मा गांधी तो सस्पेंड कर चुके थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब भगत सिंह को फांसी लग चुकी थी, अब महात्मा गांधी कोने मुंह से करते कि दोबारा आंदोलन चालू करो, लोग गरिया देते महात्मा गांधी को। अब महात्मा गांधी को उस समय अंग्रेजों ने सेफ्टी दिया था, पुलिस गार्ड, सोचिए महात्मा गांधी का कितना विरोध हुआ था कि महात्मा गांधी को गार्ड देना पड़ा था कि अरे भैया इन्हें भगत सिंह के गुस्सा इन पे मत उतार दो सर, समझ में? क्योंकि भगत सिंह को फांसी दी गई थी अंग्रेजों की वजह से, अब गुस्सा अगर गांधी जी पे उतर जाता तो गांधी जी की का गुस्सा उतार देता सब अंग्रेजों पे कि ये सब के पीछे यही है, सब यही, सब मारो ही नहीं सबको यहाँ पर। तो अंग्रेजी सब चाहते नहीं थे सब, क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बादल
मडरा रहे थे। ऐसे भारत वालों को तो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उनको कहा यार इनको तो कभी देख लेंगे हम लोग, समझाए कि नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध बहुत बड़ा कारण बना हम लोग के आजादी में, बहुत बड़ा द्वितीय विश्व युद्ध वहां पर। तो अंग्रेजों ने, हम महात्मा गांधी कहां गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, इंग्लैंड गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहां पहुंचे, इंग्लैंड। यहां अंग्रेजों का असली खेल चालू हुआ। फर्स्ट गोलमेज कहां कब हुआ था, फर्स्ट गोलमेज, क्या इसमें कांग्रेस का कोई गया? द्वितीय गोलमेज कब हुआ, 1931 सितंबर 1931, इसमें महात्मा गांधी गए थे। 7 सितंबर 1931